नंबर्स के पैटर्न की बात अब तक हम कर चुके हैं, आज हम देखेंगे क्या शेप्स में भी पैटर्न हो सकते हैं क्या। बिल्कुल होते हैं, और मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें शेप्स के पैटर्न को डिस्कस किया जाता है उसको ज्योमेट्री कहते हैं। इसके बाद अब आज हम ऐसे ही कुछ सीक्वेंस के पैटर्न देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में रेगुलर पॉलीगन्स। सबसे पहले ट्राइंगल है, इसमें तीन साइड होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में चार, पेंटागन में पाँच, हेक्सागन में सिक्स, हेप्टागन में सेवन, ऑक्टागन में एट, नोनागन में नाइन और डेकागन में 10 साइड्स होती हैं। अब हमको एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। आगे ऐसे फिर हमारे पास होता है कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ्स में क्या होता है, वैसा ही कुछ है, आपको पहले दो पॉइंट लेने हैं और उन दो पॉइंट से जितनी भी लाइंस बना सकते हैं उतनी बनाइए, एक ही लाइन बनेगी। फिर आपको क्या करना है, तीन पॉइंट लेने हैं रेड कलर से जो दिख रहा है, उनको आपस में जितनी भी तरह से मिला सके मिला दीजिए। K4 मतलब आपको चार पॉइंट लेने हैं, उनको सबको एक दूसरे से सभी मिलने चाहिए। K5 में फाइव पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे से सभी से मिलाना है, और ऐसे ही। अब जब आप इनकी साइड्स को काउंट करेंगे तो वो भी एक पैटर्न बनेगा जो आपको मुझे चैट बॉक्स में बताना है। अब इसके बाद क्या किया, यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया है, इसमें सिर्फ एक स्क्वायर है, यहाँ पर फोर स्क्वायर है, यहाँ पे नाइन स्क्वायर है, यहाँ पे 16 स्क्वायर है और यहाँ पे 25। अब ये शेप का एक पैटर्न बन गया है। फिर क्या आता है, स्टेक ट्राइंगल। अब यहाँ पे तो एक ट्राइंगल है, यहाँ पे कितने ट्राइंगल है, वन टू और थ्री ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ट्राइंगल्स हैं। ऐसे ही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और 10, 10 ट्राइंगल्स को मैंने एक के ऊपर एक रखा, तो ये क्या हो गया, स्टेक्ड ट्राइंगल्स इस पैटर्न को कहते हैं। अब क्या हुआ, कोच शोन फिगर, ये बहुत सुंदर पैटर्न होता है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले हम एक ट्राइंगल से शुरू करेंगे। अब ट्राइंगल में ट्राइंगल की तीनों साइड पर एक एक और छोटा छोटा ट्राइंगल बना देंगे, तो ये सेकंड वाला ग्राफ बन जाएगा। अभी जो शेप बनी, इस शेप में भी सब जगह जो 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 साइड हैं उन साइड्स में छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना देंगे हर साइड पर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा। ऐसे ही फिर इसमें भी जो साइड्स बनेंगे उनमें सब फिर छोटे 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 ट्राइंगल बनाएंगे, और यही प्रोसेस हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर हमारे पास डायग्राम बन गया है, इसी को कहते हैं कोच स्नोफ्लेक। अब इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन भी हैं, क्या आपको अभी जो टेबल में मैंने दिखाया कि आप सबको पैटर्न्स को पहचान गए हैं क्या, फिर आपको क्या करना है, उन सारे पैटर्न्स को दोबारा से ड्रॉ करना है नोटबुक में, और आपको बताना है कि जहाँ तक बुक में दिया है उसके बाद की नेक्स्ट शेप क्या होगी, वो आपको बनाने की कोशिश करनी है, ट्राई करना है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।